देखो बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ कंपनी कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी जी हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक, यह आएगा उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका यह देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को भी लगा, आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयां दे दो, क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है, आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, आप सोलार पे दो, आप बिजली पे आप दो, एग्रीकल्चर ग्रामीण उसमें पूरा जो अगर भूमिहीन किसान है वो भी एग्रीकल्चर में ही आता है, आपने उसके लिए क्या सुविधा करी। जो दूध उत्पादन करने वाले किसान हमारी महिलाएं माताएं हैं वे भूमिहीन है, उनके पास में जमीन भी नहीं है लेकिन वो दूध का उत्पादन करती है, उसके लिए क्या किया बजट में, 20 रुपए किलो दूध के रेट कम हो गए एक साल में। सबसे ज्यादा हालात तो उनकी खराब है। जो कारखानों में काम करते हैं लेबर, उसका क्या करा आपने, हेल्थ पे क्या किया, ग्रामीण हेल्थ पे कोई योजनाएं हैं, एजुकेशन आप उनको फ्री दे दो, उन पर काम करना चाहिए। एजुकेशन जो दिल्ली की एजुकेशन है आप वो करो ना गांव में भी। मैं बढ़ावा में बता दो कि कोई ना कोई एनजीओ कंपनी आएगी, वो पैसे लेगी, वो कहेगी कि मैं नेचुरल फार्मिंग किसानों को सिखाऊंगी, वे 100 किसानों को बुलवाएंगे, उनका बजट लेंगे, उनको बताएंगे कि आप इसमें गोबर की खाद गेरो, ये गेरो, ये तो किसान कर ही रहा, आप उसकी अलग से मार्केटिंग आप अगर दे दोगे, उसके अलग मार्केट दे दो उसकी, तो किसान तो नेचुरल फार्मिंग कुछ किसान कर रहे हैं। हमने तो कहा कि डिजिटल बढ़ाओ ना, हमें किसानों को डिजिटल कैंपेन से जोड़ दो, हमारा गन्ने का भुगतान दूसरी भुगतान भी आप डिजिटल से कर दो, कौन सी टेक्नोलॉजी आप डिजिटल से दोगे किसानों को, भाई हमारा भुगतान भी जोड़ दो ना आप उसी से डिजिटल से ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप बढ़ाओ। प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है डिजिटल कंपेन, आप बढ़ा दो। हमारा गन्ने का फसल तो 1 साल में आती है, आ रही फसल 1-1.5 साल में, और भुगतान उसका होता है वो भी 12 महीने में 8 महीने में। अभी कुछ फैक्ट्रियों का भुगतान जो गन्ने का है वो नवंबर दिसंबर का हुआ। कृषि और से जुड़े सेक्टरों को 1.52 लाख रुपए का प्रावधान दिया गया, ये कारगर साबित हो कृषि। अब कृषि में बहुत से सेक्टर आएंगे, आप कौन से सेक्टर में कितना फंड दोगे, आप कल तो ये भी कहोगे कि पुलिस को हमने इतना फंड दे दिया उसकी तनख्वाह दे रहे हम, ये जो सेक्टरों में पैसे देने की बात करी इसको डिफाइन करना पड़ेगा कि किस सेक्टर में कितना जा रहा है और वो कहाँ लग रहा। आप भाव देने की बात नहीं करते, सारी बात करते हो भाई एमएसपी गारंटी कानून दे दो। आप ये तो कहो कि हम सब फसलें हम खरीद देंगे, उसका नुकसान होगा तो हम भरपाई सरकार करेगी, उसकी कुछ नहीं कर रही। अभी बाढ़ आई, पूरा हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत हिस्से बाढ़ से प्रभावित हुए, क्या उन किसानों को लाभ मिल रहा है, नुकसान की कोई भरपाई हो रही है, वो नहीं हो पा रही है। नई किस्में लेकर आ रही, जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो उनका ठीक है कि उस तरह की फसलें सरकारें लेकर आ रही है, लेकिन उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड नहीं होनी चाहिए, जीएम सीड उसमें नहीं होने चाहिए। फसलें तो हमारे वैज्ञानिक है जो रिसर्च सेंटर है, क्या उसको फंड लोकेट किया है, उस पर कितना फंड जाएगा, उसके धीरे धीरे फंड काट रहे हैं ये सारे। क्या बाहर से किस्में लेके यहां पर आएंगे, क्या वे हार्मफुल तो नहीं है, क्या वे मानव शरीर के लिए हानिकारक तो नहीं है, तो इन सब चीजों पे ध्यान हमको करना पड़ेगा।